पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप जाते हुए इस टाइम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए किसी भी यूपीआई ऐप पे, चाहे पेटीएम हो गया चाहे फोन पे हो गया, देन आपके सामने को इस टाइप का एक डैशबोर्ड आ जाती है कि आप लोग इस टाइम आपका जो बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है अब लोग हमारी इस एप्लीकेशन से नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, सारे डिटेल्स आपको इस बता दूंगा। खास करके जिन लोगों का जो बिल जो ड्यू डेट आ चुका है एंड उनको पेमेंट करना है, एंड वैसे आप लोग एप्लीकेशन जाके पेमेंट करते हो देन आपके सामने कुछ इस टाइप का पॉपअप आ जाती है। तो आप आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आप लोग बात करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है क्यों आई है एंड इस प्रॉब्लम को कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, साथ में ये भी बताने वाले हो कि कैसे आप लोग आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है आप लोग पेमेंट कर सकते हो वो भी इंस्टेंटली। जैसे मान के चलो कि अगर आप लोग पेटीएम से पेमेंट करते थे देन आपका जो पेमेंट है विदिन एक मिनट के अंदर सेटल हो जाता था आपकी बैंक के अंदर, सेम वही मेथड बताऊंगा कि कैसे आप लोग सिर्फ एक मिनट के अंदर आपका जो पेमेंट है आप लोग सेटल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मेरे पास है मेरा फोन जो कि यार मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन करूंगा और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखते रहो। सबसे पहले मैंने इस पे पेटीएम को मैंने ओपन करी है, ठीक है ना, पेटीएम को मैंने ओपन करी, सिंपल से मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट करने के लिए जाती हूँ ना, तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाती है फ्रॉम 1 जुलाई 2024 क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स ओनली फॉर बैंक्स रजिस्टर्ड ऑन भारत बिल पेमेंट सिस्टम। यानी कि पेटीएम ने यहाँ पर साफ साफ बताया कि जो भी बैंक भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंदर अपडेटेड है सिर्फ उन्हीं का पेमेंट हम लोग कर पाएंगे। अगर आपका बैंक भारत बिल पेमेंट सिस्टम में अपडेट नहीं है तो हम लोग आपका जो बैंक का आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो हम पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे ही आपका बैंक भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे अपडेट हो जाएगा हम आपको अपडेट करेंगे एंड आप देन आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर पाओगे। देखो अगर आपका बिल पेमेंट ड्यू डेट आ चुका है 2 से 3 दिन बाकी है एंड आप चाहे तो इसका जो पेमेंट है आप कर देना क्योंकि आपको डर लगता है कि आपका जो क्या बोलते हैं पेनल्टी है वो नहीं लग जाए, पेनल्टी ना लग जाए। तो आपको कहना क्या है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर सर सब लिखा है कि 1 जुलाई से ये जो अपडेट हो चुका है। तो अभी आपको कहना क्या, देखो अगर आपका जो बैंक है अगर अभी तक भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंदर अपडेट नहीं हुआ है तो आपको कहना क्या, अगर आप लोग पेटीएम से कर रहे हो तो आप लोग फोन पे जाके ट्राई करो, गूगल पे से जाके ट्राई करो, और अगर उससे भी नहीं होती तो आपको बताओ कि मोबीक्विक एक बेस्ट एप्लीकेशन है। अगर आप लोग मोबीक्विक से बिल पेमेंट करोगे देन मेरा जो पेमेंट है मैंने खुद करी है, मेरा जो पेमेंट है विद इन 2 मिनट के अंदर सेटल हो गया था। तो आप लोग जाके ट्राई कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बनाकर भी दिखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे आप लोग मोबीक्विक एप्लीकेशन पे जाके बिल पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड का। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।